हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं राजगीर की ओर। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत इंजॉय भी आज हम कर ही लेते हैं। तो अगर आप भी स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें हमारे पूजा इंस्टीट्यूट और जुड़ जाएं हम लोगों से, जिनका डायरेक्टर हैं प्रकाश सर। तो फिलहाल हम लोग अभी पहुँच चुके हैं राजगीर और अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह का टाइम में ही पहाड़ पर चलना अच्छा लगता है, आप लोग को पता ही होगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आपको फॉलो कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलिए हम चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ से रोपवे लक्ष्मण झूला के लिए टिकट का करना पड़ता है बुकिंग। अगर आप उससे भी जाना चाहते तो आप जा सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 80 रुपये का किराया देना होगा प्रति जन के पीछे। एक आदमी का आपको 80 रुपये किराया देना होगा। यहाँ पे काउंटर बना हुआ, आप टिकट यहाँ से ले सकते हैं। ये सिंगल वाला रोपवे है जिसमें आप एक आदमी बैठ सकते हैं। हम लोग के साथ काफ़ी सारे बच्चे हैं, जिसके लिए हम लोग सीढ़ियों से जाएंगे। अगर हम सीढ़ियों से जाते तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए जाएंगे। यहाँ से आप बच्चे लोग को खिलौना वगैरह भी आप ले सकते हैं। जो आप रोपवे देख रहे हैं, बिहार का सबसे पहला रोपवा 1969 में राजगीर के रतनगिरी पर्वत पर लगाई गई थी। जापान सरकार की मदद से 1969 में पहली रोपवे का निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 2200 फीट है। इसमें 11 टावर है, 101 कुर्सियां हैं। ये पूर्णतः बिजली से संचालित है। इसमें आप एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठ सकते हैं। आज हम लोग के साथ देख ही सकते हैं कितना छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं। और साथ ही साथ आप एक बात भी हमेशा ध्यान में रखें, जहाँ भी एक गरीब लोग आपको दिखें, आपसे जितना हो सके आप लोग ज़रूर मदद करें, उन लोग को भला करें, आपका भी भला होगा और पुण्य का भागीदार बनेंगे। हमसे जितना होता है हम तो कर ही देते हैं, लेकिन आप लोग भी ज़रूर याद रखें इस बात को। देखिए ऊपर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। राजगीर भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, इसके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। अगर आप हवाई जहाज से अगर आना चाहते तो नज़दीक में आपको दो एयरपोर्ट मिलेगा, पहला पटना और दूसरा रांची। अगर आप पटना से आना चाहते हैं तो लगभग आपको 110 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। अगर आप उसका समय जानना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे आपको लगभग लगेगा। अगर आप रांची से आना चाहते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से, तो लगभग 246 किलोमीटर है, जो कि आपको 6 घंटे से प्लस समय लगेगा। नेशनल हाईवे 20 से होके आपको आना होगा। आप जब पहाड़ी के ऊपर चढ़िएगा तो आपको पैसा वाला पेड़ एक देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो आप सोच ही सकते हैं पैसा वाला पेड़, इसमें फलता नहीं है, पैसा उगता नहीं है, इसे उगाया जाता है लड़कों लोग के द्वारा और जो भी यहाँ पे आते हैं उन लोग के जरिए। तो यहाँ बताया जाता है कि जो इसमें एक पेड़ में पैसा जो डालते हैं, पैसा जो गढ़ते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। तो हमें विश्वास नहीं, हमें तो अपना मेहनत और लगन पर विश्वास है। जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। जब आप पहाड़ी के ऊपर आइएगा तो काफ़ी सारे दुकानों में आपको जड़ी एक देखने को मिलेगा, जो कि दुकानदार बताते हैं कि ये संजीवनी बूटी है, जो लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने पहाड़ उठा के लाया था, जो पूरा यही जड़ी के कारण पूरा पहाड़ उठा के लाया था, ये वही संजीवनी बूटी है। लेकिन ये गलत है, ये वो संजीवनी बूटी नहीं, एक तरह का ये पौधा है जिसे आप इसे पानी में डालिएगा तो बोतल में काफ़ी अच्छा खिल जाता है। बहुत ही अच्छा पौधा है, संजीवनी बूटी ये नहीं है। हमने चलिए अभी हम चलते हैं रिटर्निंग की ओर, रोपवे की ओर हम जा रहे हैं, जो कि ये वाला रोपवा है।
जो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, और रोपवा राजगीर में 1969 ईस्वी में इसे स्टार्ट किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 2200 फीट है, 11 टावर, 101 कुर्सियाँ हैं। लेकिन अभी जो आप एक रोपवा देखिएगा, जो सामने देख रहे हैं बड़ा वाला रोपवा, वो उसमें आप एक रोपवे में अपने फैमिली के साथ 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं। और ये वाले जो रोपवा है, इसमें आप सिंगल, अगर आप फैमिली साथ आते हैं तो सबको अलग अलग बैठाया जाता है। लेकिन अभी जो रोपवा है वो काफ़ी अच्छा है और उसमें काफ़ी सुरक्षित भी है। आप देख ही सकते हैं चारों बगल से पैक रहता है, और उसमें अपने फैमिली के साथ आप देखिए 8 फैमिली एक रोपवे में आप बैठ सकते हैं। अगर आप राजगीर आने के लिए रेल से यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक आपको राजगीर रेलवे स्टेशन मिलेगा, जो कि पर्वत से आपका लगभग 12 किलोमीटर दूरी पे है। दूसरा है गया जंक्शन, जो 95 किलोमीटर है। तीसरा बोधगया है, 110 किलोमीटर है। चौथा पचमा जंक्शन है, जो कि 90 किलोमीटर है। और एक और है पापुड़ी, पापुड़ी 26 किलोमीटर है यहाँ से। तीसरा बिहार शरीफ है, जो कि लगभग 13 किलोमीटर है। तो आप ये 5-6 रेलवे स्टेशन से आप यहाँ आ सकते हैं। इन सभी पहाड़ियों पर जैन धर्म का मंदिर है। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश विपुलगिरी पर्वत पर दिया था। इसके अलावा राजगीर के आसपास पहाड़ियों पर 26 जैन मंदिर बने हुए हैं। वहां पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि वहां का रास्ता काफ़ी कठिन है। चलिए अब हम थोड़ा और दर्शन आप लोग को कराते हैं और रोपवे की ओर चलते हैं, जो कि ये 8 फैमिली वाला रोपवा है, जिनका टावर भी काफ़ी बड़ा बनाया गया है, और सिंगल वाला छोटा छोटा। फाइनली राजगीर का दर्शन कर लिए हैं, अब हमें चलना है घर। तो अभी तक यार अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पार्किंग का सुविधा, हम लोग पार्किंग में आ गए, आप यहाँ पार्किंग में लगा दीजिए गाड़ी, आप टेंशन फ्री होकर आराम से राजगीर का पर्वत घूमिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।